लेकिन आपको क्या लगता है कि आप प्रियंका जी की सेवा कर रहे हैं कि पार्टी की सेवा कर रहे हैं? आपने मातहारी का नाम लिया इसलिए पूछा। देखिए, देश सबसे बड़ा है और उसके बाद फिर पार्टी आती है। पार्टी में फिर किसके साथ काम करने का अवसर मिल रहा है, यह महत्वपूर्ण है। मैं प्रियंका जी के साथ काम कर रहा हूं, उसकी सेवा नहीं कर रहा हूं, पार्टी के सहयोगी के रूप में काम कर रहा हूं। और पार्टी जहां जिम्मेदारी दे, असम गए तो वहां जितेंद्र भंवर सिंह के साथ हम लोग काम किए, झारखंड में गए तो आरपीएन सिंह के साथ काम किए, यहां जब महाराष्ट्र में गए तो खड़गे साहब हमारे प्रभारी थे, उनके साथ काम करने का अवसर मिला। तो जहां जो मौका देते हैं, जो उन नेताओं के साथ मिलकर काम करना होता है। आज मेरा सौभाग्य है कि प्रियंका जी जैसे नेतृत्व के साथ काम करने का अवसर मिला। तो जब आप उनके साथ इतने क्लोजली काम कर रहे हैं यूपी में, तो क्या देखते हैं यूपी में? कांग्रेस पार्टी के पास अब सब पाना ही पाना है जी। अगर मैं कहूं तो कांग्रेस पार्टी की इससे खराब विकट स्थिति बीते 35, जब आपने करियर शुरू किया होगा राजनीति में तब कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही होगी मेरे ख्याल से, नरेंद्र तिवारी साहब मुख्यमंत्री रहे होंगे जी। आज कांग्रेस 7 विधायक पर आ गई, उसमें भी 3-4 टूट गए। इस विकट स्थिति से निकालने के लिए प्रियंका गांधी जी के पास क्या फॉर्मूला है? देखिए, प्रियंका जी के साहस को भी मैं दाद देता हूं कि वो महामंत्री बने, लेकिन ऐसे राज्यों को चुना जहां कांग्रेस शून्य की स्थिति में है, करीब करीब शून्य की स्थिति में। हमारे 6% वोट हमारे हैं, 6-7 विधायक हैं, और ऐसे जगह में उन्होंने उस जगह को उन्होंने चुना। एक बड़ी चुनौती है क्योंकि वहाँ हर स्तर में संघर्ष है। आपको कार्यकर्ता बनाना है, कार्यकर्ता जुटाना है, संघर्ष करना है, तो लोगों को साथ लेना है। तो वहाँ जब सब कुछ भी नहीं है, ऐसी स्थिति में काम करना सबसे कठिन है, और उस कठिन कार्य को चुनौती के रूप में प्रियंका जी ने स्वीकार किया है। मैं निश्चित रूप से साहस की प्रशंसा करता हूं। नहीं तो यह स्थिति हुई क्यों कांग्रेस पार्टी की? अब जिस प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के इतने सारे बड़े बड़े नेता आए, दिग्गज आए, उस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में क्यों पहुंची? क्या अपने सबसे बड़े नेता को चुनाव हारना पड़ा अपनी सीट में, अमेठी में? चुनाव देखिए, बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस वहां तक क्यों पहुंचा, उसमें बहस करेंगे तो बहुत लंबा समय होगा, लेकिन उसके बारे में सब जानते हैं कि क्यों हम वहां स्थिति में पहुंचे। नहीं, हमको नहीं पता क्यों पहुंचे, बताइए ना। आपको आपका आकलन क्या है? जब आप देखते हैं, मैदान पे जाते हैं, पिच पे खेलते हैं, तो पहले आप पिच को पढ़ते हैं ना कि इस पिच में बॉल स्पिन होगी या फास्ट पड़ेगी, वैसे टीम बनाते हैं, तो वो कमी कहां थी, उस गड्ढे को कैसे पाटा जाएगा? देखिए, कांग्रेस का जो मजबूत आधार था वहां दलित हमारे साथ थे, किसान हमारे साथ थे, अपर क्लास हमारे साथ थे, माइनॉरिटी हमारे साथ थे, लेकिन एक एक करके छिटकते गया। दलित को कांशीराम जी ले गए, किसान और पिछड़े वर्ग के लोग हैं और माइनॉरिटी है उसे मुलायम सिंह जी ले गए, अपर क्लास है वो बीजेपी ले गई, तो हमारे पास कुछ बचा नहीं। नुकसान इस प्रकार से हुआ और वो घटनाक्रम इस प्रकार से घटी। कभी दलित मूवमेंट बहुत पूरे देश में अनेक प्रकार के नारे लगे और उसमें मिले मुलायम, काशी राम, उड़ गए जय श्री राम, पता नहीं किस प्रकार से नारा उस प्रकार से था, और तिलक तराजू और तलवार, ये सारी बातें हुई। फिर बाबरी मस्जिद वाला मामला आ गया, राम मंदिर वाला मामला आ गया, तो बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण से लोग हमसे कटते गए और हम हाशिए पे आ गए, हमारे रिजल्ट शून्य की स्थिति में आ गई। लेकिन अभी भी हर गांव में, हर पोलिंग बूथ में आपको कांग्रेस का सदस्य मिलेगा, ये बड़ी बात है। आज इतने के बाद भी आपको वहां हर गांव में, हर घर में एक कांग्रेसी मिलेगा। तो वो जो विचारधारा है वो अभी तक है, और उसी विचारधारा को लेके आगे बढ़ने का काम प्रियंका जी कर रही है, सबको समेटने का काम प्रियंका जी कर रही है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय प्रियंका जी का होगा, कांग्रेस का होगा, और मजबूती के साथ कांग्रेस फिर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।